हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मदर मेड चैनल। आप लोग का मदर मेड चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हैंड वॉश। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बनेगा, इसमें बहुत झाग आएंगे और हाथों के लिए भी बहुत सॉफ्ट होगा। नॉर्मली यूट्यूब पे आप जो दूसरे वीडियोस देखते हैं हैंड वॉश के, वो SLES से बनाते हैं, लेकिन हम लोग बनाएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से और इसको बाद में न्यूट्रलाइज भी करेंगे एसिड स्लरी से। तो ये जब फाइनल बनेगा तो बहुत ही अच्छा बनेगा, हाथों के लिए बहुत सॉफ्ट होगा, नुकसान बिल्कुल नहीं करेगा। फ्रेंड्स, आप हमारा वीडियो देख के इसको थोड़ा सा बना के देखिए और दूसरे वीडियोस में जो SLES से बनाते हैं उसको भी थोड़ा बनाइए और फिर कंपेयर करिएगा, फिर उसके बाद में आप कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड्स, फिर शुरू करते हैं बनाना। तो फ्रेंड्स, इसमें जो जो रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है वो मैं पहले आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए, ये एसिड स्लरी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें इसी से झाग बनते हैं। ये यूरिया है, ये बहुत हेल्प करता है उसको ठीक करने में और क्वालिटी अच्छी करने के लिए। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये हाथों के लिए सॉफ्ट रहता है। जो नॉर्मल बनाते हैं, नॉर्मल लिक्विड सोप बनाते हैं, तो उसमें हम लोग कॉस्टिक सोडा डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पर क्योंकि हम हैंड वॉश बना रहे हैं, स्किन बहुत नाजुक होती है, तो उसमें ये थोड़ा सा लाइट है, तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देते हैं। मेरा क्या थोड़ा सा ये मॉइस्चर के साथ में मॉइस्चर चला गया है, तो थोड़ा ये ऐसे थिक हो गया है, मतलब ये डले बन गए हैं, पर ये पाउडर फॉर्म में होता है। पर इसको यूज करने से इसकी क्वालिटी खराब नहीं है, वो ठीक काम करेगा, इसलिए मैंने इसको ले लिया है। फ्रेंड्स, इन तीन चीज से हैंड वॉश बन जाएगा। बेसिक इंग्रेडिएंट्स ये तीन है, तो इससे हैंड वॉश आराम से बन जाएगा। पर क्योंकि हमको क्वालिटी वाइज अच्छा चाहिए, क्योंकि हैंड भी सॉफ्ट रहने चाहिए, तो मैं कुछ एडिशनल इसमें इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ, वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये बादाम रोगन है, ये एलोवेरा जेल है, आप कोई भी ले सकते हैं एलोवेरा जेल। मैंने एक वीडियो बनाया था एलोवेरा जेल, आप बनाकर भी यूज कर सकते हैं, वो मेरा वीडियो देख लीजिएगा। ये ग्रिसलिन है, ये विटामिन ई कैप्सूल है, ये बाद में पीएच पेपर है, बाद में उसका पीएच लेवल देखने के लिए। ये थोड़ा सा कलर है, मैं थोड़ा पानी मिला लिया है, अगर आपके पास में लिक्विड फॉर्म में है तो आप पानी मत मिलाइएगा। ये परफ्यूम है और ये थोड़ा सा प्लेट वाटर है जिसमें बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये मैंने खाली बोल लिया है, इसमें सबसे पहले पानी मिलाएंगे। मैं अभी थोड़ा सा बना के आपको दिखा रही हूँ, जो इनके इंग्रेडिएंट्स की जितनी क्वांटिटी है मैं सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, तो आप क्वांटिटी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देख लीजिएगा। तो मैंने पानी डाला है इसमें और फिर इसमें हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। पहले पानी डालना है, फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में पानी कभी मत डालिएगा, ज्यादा क्वांटिटी आप जब बनाएंगे तो ब्लास्ट हो सकता है, इसलिए हमेशा याद रखिएगा पानी पहले और बाद में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर इसको ऐसे ऐसे करके घोल लेंगे। इसको लाई बोलते हैं, जो लिक्विड बनता है इसको लाई बोलते हैं। पूरे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा, एक भी पार्टिकल बचे नहीं, नहीं तो आपका यह हैंड वॉश खराब हो जाएगा। देखिए घुल गया है, अब इसको हम साइड में रख लेते हैं। ये काफी हीट अप हो जाता है, ये बोल जो है काफी गर्म हो जाता है, तो हैंड ग्लव्स पहनना बहुत जरूरी है। फिर हम एसिड स्लरी लेंगे और उसमें भी थोड़ा पानी मिलाएंगे।
पानी लिया मैंने, और फिर थोड़ा सा इसमें एसिड स्लरी डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है इसको, जब तक इसका कलर चेंज रहा है तब तक मिक्स करते रहना है। मैंने थोड़ा बनाया इसलिए जल्दी से मिक्स हो जाएगा, आपको अगर ज़्यादा बनाना है तो टाइम लगेगा थोड़ा मिक्स करने में। देखिए कलर चेंज हो रहा है इसका, तो ये ऐसा कलर चेंज होना चाहिए। बहुत से लोग कमेंट करते हैं मेरा मैडम बन नहीं रहा है, तो वो इसी वजह से है क्योंकि वो ठीक से मिक्स नहीं करते हैं। देखिए अच्छी तरह से मिक्स करना है। देखिए एकदम ब्लैक ब्राउन कलर था उसका, देखिए कैसा कलर हो गया है। अब इसको भी हम साइड में रख लेंगे। अब फ्रेंड्स मैंने फिर से एम्प्टी बोल लिया है, इसमें फिर से थोड़ा पानी लिया है और इसमें यूरिया मैंने आपको दिखाया था ना, तो वो भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, डिसॉल्व कर लेंगे इसे। ये सब प्रिपरेशन पहले से आपको अलग अलग उसमें करके रखना होगा। ये जो आप बनाएंगे इसमें जितना आपको पानी लेना है, जैसे 1 लीटर बनाएंगे तो उसमें आपको 8 लीटर पानी लेना होगा, जैसे मतलब जो आप फिनिश प्रोडक्ट 1 लीटर बनेगा तो उसमें आपको 1 लीटर पानी मिलाना होगा। तो पहले आप 1 लीटर पानी अलग कंटेनर में लेके रख लीजिएगा और उसी में से ही थोड़ा थोड़ा पानी मिलाइएगा, क्योंकि फिर बाद में आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कितना क्वांटिटी वाटर अभी मिलाया है और फिर बाद में आपको कितना मिलाना है। इसलिए वो उतना आप पहले अमाउंट वाटर ले लीजिएगा, उसी में से थोड़ा थोड़ा करके पानी इनमें मिक्स करते रहिएगा। तो देखिए ये डिजॉल्व हो गया, थोड़ा बचा है ये अपने आप डिजॉल्व हो जाएगा, मैं इसको साइड में रख दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स अब लिक्विड बनाना शुरू करते हैं हैंड वॉश। तो मैंने एक खाली बोल लिया है, उसके लिए सबसे पहले ये मैंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जो लाई बनाई थी ये ली है। फिर इसमें आप थोड़ा सा एसिड स्लरी मिलाएंगे, जो एसिड स्लरी का बनाया था वो, और फिर इसको मिक्स करेंगे। काफी देर तक मिक्स करना है। काफी देर मिक्स करना पड़ेगा, तो थोड़ी देर मिक्स करते करते इस तरह से इसका ये झाग जैसा हो जाएगा। ये चीज जरूर देख लीजिएगा, मिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ठीक से मिक्स नहीं करेंगे तो हैंड वॉश ठीक नहीं बनेगा। देखिए मिक्स हो गया है, कलर देखिए कैसा चेंज हो गया है। अब इसमें जो हमने यूरिया बनाया था, यूरिया का पानी, वो थोड़ा सा इसमें मिक्स करेंगे। क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखूंगी सारा। देखिए आपका ये हैंड वॉश रेडी हो रहा है। तो ये रेडी हो गया है, क्योंकि थोड़ा बनाया है इसलिए बहुत जल्दी मिक्स हो गया है। आप लार्ज उसमें बल्क में बनाएंगे तो टाइम लगेगा इसमें, और मिक्सर भी आते हैं इसके, अगर आप बिजनेस करना चाहें तो मिक्सर खरीद लीजिएगा। लेकिन जब भी आप स्टार्ट करें तो थोड़े क्वांटिटी से स्टार्ट करिए, हमेशा जब भी बनाएं तो थोड़ा सा ही बनाना है, पहले सैंपल के लिए अच्छा बने। स्टार्ट करें तो थोड़े क्वांटिटी से स्टार्ट करिए, हमेशा जब भी बनाएं तो थोड़ा सा ही बनाना है, पहले सैंपल के लिए अच्छा बने तब ज़्यादा बनाइए। और शुरू में जब भी बिजनेस करें तो हैंड से बनाइए, थोड़ा थोड़ा सबको दीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सब फ्रेंड्स लाइक कर रहे हैं आप बिजनेस कर सकते हैं, तब फिर मशीन लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये जो है तैयार है। फ्रेंड्स इसमें आप थोड़ा सा पानी, जितना क्वांटिटी पानी बचा है हम इसमें इस समय डाल लेंगे और फिर इसको मिक्स करेंगे।
फ्रेंड्स, क्योंकि इतने झाग हैं तो अभी दिख नहीं रहा, ये ट्रांसपेरेंट हो गया है नीचे, अभी दिख नहीं रहा। थोड़ी देर आप इसको रख दीजिए, उसके बाद में जब झाग खत्म हो जाए तब इसको आगे इसका जो भी मिलाना है मिलाएंगे, क्योंकि तब हमको ये दिखेगा, अभी दिख नहीं रहा है तो उसको हम छोड़ दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका झाग खत्म हो गया, ये ऐसा ट्रांसपेरेंट दिखेगा। अब इसका पीएच लेवल चेक कर लेते हैं, तो मैं उसके लिए पीएच पेपर ले रही हूँ। देखिए, ओ तो देखिए इसका कलर कैसा चेंज हो गया है, तो इसका मतलब मैं एक मिनट दिखा रही हूँ आपको। जैसे इसमें देखिए कौन सा कलर है, ये 9 के आसपास आ रहा है। देखिए तो इसका मतलब इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्स की क्वांटिटी ज़्यादा है। अगर येलो साइड में आएगा या रेड साइड में आएगा तो समझ लीजिए एसिड ज़्यादा है। अभी इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब एल्कलीन ज़्यादा है ये, तो इसके लिए हम साइट्रिक एसिड डालेंगे इसमें। मैं ये साइट्रिक एसिड ले रही हूँ, इसमें मिक्स कर दे रही हूँ। ये आप अपने हिसाब से ही डालना होगा, ज़्यादा कम इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है। जब तक आपका वो सेम कलर वो जो पेपर में है वो कलर ना हो जाए येलो कलर। और अच्छी तरह से मिक्स करना है कि पूरा डिजॉल्व हो जाए वो। शायद डिजॉल्व हो गया है, मैं फिर से देखती हूँ। पेपर आगे से मैं कट कर दे रही हूँ, फिर ये ले रही हूँ। देखिए देखिए ठीक हो गया। तो मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ पीएच पेपर, देखिए 5 6 ऐसा कुछ है बीच में, तो ये ही आपको चाहिए। 7 तक भी चलेगा, हल्का सा ग्रीनिश होता है तो भी ये बेस्ट है, ये वाला कलर। तो आप इस तरह से इसमें साइट्रिक एसिड से इसका कलर आप ठीक कर सकते हैं। अब ये हमारा हैंड वॉश रेडी है। अब इसमें हम एडिशनल जो चीज़ें हैं वो मिक्स करेंगे। सबसे पहले थोड़ा कलर डालेंगे, मैं स्ट्रॉबेरी खुशबू डालने वाली हूँ तो थोड़ा सा पिंक कलर डाल रही हूँ उसमें, क्योंकि स्ट्रॉबेरी लोग बहुत लाइक करते हैं। मैं बनाती हूँ, अपने फ्रेंड्स को देती हूँ, तो इसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी आती है, वो लोग बहुत लाइक करते हैं। तो ये मैंने पिंक कलर कर दिया है। फिर इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल डालेंगे। भैया ये आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा एलोवेरा जेल का, उसको भी मिक्स कर देंगे। फिर इसमें बादाम रोगन डालेंगे, ये हाथ के लिए अपने स्किन के लिए बहुत अच्छी है। थोड़ा सा डालना है बस। ये विटामिन ई कैप्सूल भी आप डाल सकते हैं, बादाम रोगन डालिए चाहे विटामिन ई का कैप्सूल डालिए, क्योंकि इसमें भी विटामिन ई होता है और बादाम रोगन में भी, आप दोनों चीज़ भी ऐड कर सकती हैं। अभी मैं खाली बादाम रोगन डाला है मैंने, आप दोनों चीज़ डाल सकते हैं। फिर ये रोज़ वाटर है, थोड़ा ये डालेंगे। और फिर उसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन डालेंगे, ये ग्रिसलिन है, ये थोड़ी सी इसमें डाल दे रही हूँ मैं। उस समय आपको ग्रिसलिन, मैं रोज वाटर को ग्रिसलिन बोल दिया था, सॉरी, ये ग्रिसलिन है, ये उसमें डाल दे रही हूँ थोड़ा। ग्रिसलिन हाथ को बहुत सॉफ्ट कर देती है। और फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा परफ्यूम, क्योंकि मैं स्ट्रॉबेरी पिंक कलर डाला है तो मैं परफ्यूम डालूंगी स्ट्रॉबेरी का। बहुत अच्छी खुशबू आने लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है इसकी। और पिंक कलर लेडीज़ को बहुत अच्छा लगता है, आप जेंट्स के लिए बना रहे हैं तो उनके कलर जो लाइक करते हैं वो लोग, वो थोड़े से कलर्स देख लीजिएगा।
लेडीज पिंक बहुत लाइक करती है। तो ये आपका हैंड वॉश तैयार है एकदम। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। और काफ़ी थिक है, देखिए इसे थिक करना है तो थोड़ा सा आप यूरिया और मिला सकते हैं, लेकिन ये इतना काफ़ी है क्योंकि उसमें बॉटल से निकालना भी होता है तो निकलना भी चाहिए। तो देखिए हैंड वॉश तैयार है। मैंने कुछ बनाए हैं दूसरे कलर्स में भी, वो दिखा दे रही हूँ। ये मैंने ग्रीन बनाया था, आप अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर में बना सकते हैं। मैंने ये ब्लू बनाया था, ऐसे आप अपने इमेजिनेशन से कोई भी कलर बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है, ज़्यादा दिन तक रखना है, तो इसमें प्रिजर्वेटिव डाल लीजिएगा। जो मोस्टली कॉमनली यूज होती है वो फॉर्मेलिन है, ज़्यादातर लोग फॉर्मेलिन यूज करते हैं, उसको फॉर्मेल्डिहाइड करके बेचते हैं। तो वो 2 ग्राम 1 लीटर में आपको मिक्स करना है, तो फिर आपकी ये प्रोडक्ट खराब नहीं होगा। और अगर आपको कुछ महीने के लिए रखना है तो ज़रूरत नहीं है, जैसे अपने लिए बना रहे हैं, कुछ दिन के लिए बना रहे हैं, तो फॉर्मेलिन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रिजर्वेटिव ना ही ऐड करें तो अच्छा है, ये सब चीज़ें केमिकल्स नुकसान करती हैं बॉडी को। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसको दिखाती हूँ इसमें झाग कितना होता है। मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिला रही हूँ, अब फिर आप इसका झाग देखिएगा। देखिए काफी सारा झाग है, बहुत अच्छी क्वालिटी का बनता है, आप ट्राई करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग बनाइए और अपने दोस्तों के संग भी शेयर करिए। फ्रेंड्स, अगर आप इसका बिजनेस करना चाहते हैं तो इसका बिजनेस बहुत ही प्रॉफिटेबल है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। आजकल सब लोग हैंड वॉश से ही हाथ धोते हैं, पहले तो लोग नॉर्मल सोप से हाथ धोते थे, लेकिन आजकल हैंड वॉश से ही धोते हैं, और इसको बहुत ज़्यादा डिमांड है इसका बिजनेस। और क्योंकि ये बनता बहुत सस्ते में है और मार्केट में काफ़ी प्राइस लेते हैं इसको, तो फिर ये इसका बिजनेस बहुत अच्छा है, प्रॉफिटेबल है। आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, पहले आप थोड़ा थोड़ा बना के अपने आसपास अपने दोस्तों को दीजिए, उनसे पूछिए कैसा लग रहा है, उनके फीडबैक अगर अच्छे आते हैं तो, और आप शॉप्स में जाके दीजिए, थोड़ा थोड़ा बनाइए शॉप्स में, बॉटल्स में फिल करके अपना लेबल लगा के दीजिए उनको। ऐसे ऐसे करते करते आप अपना बिजनेस बढ़ाइए। बाद में मशीन्स आती है, मिक्सर मशीन, उसमें मिक्स करिए, तो इस तरह से आपका बिजनेस खूब ग्रो हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपके बनाइए जरूर, और एक बार मुझे अपना फीडबैक भी जरूर दीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है और आपको मेरे चैनल मेरे वीडियो आपने पहली बार देखा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं नेक्स्ट जब भी कोई वीडियो बनाऊं तो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आए। और आप एक बेल आपको दिखेगी छोटी सी, सब्सक्राइब आप जब प्रेस करेंगे उसके बाद में एक छोटी सी बेल दिखेगी, तो उसको भी प्रेस कर दीजिएगा जरूर, और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं तब तक किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।